बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट अरफा आरबी। आज एक मर्तबा फिर हम एक नए मालूमाती मौजू और टैलेंटेड गेस्ट के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर आलमी माहौलियात का दिन। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसका ऐलान अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 1972 में किया। इसका मकसद माहौलियात से मुतल्लिक आवाम को आगाह करना है कि वो किस तरह से माहौलियाती आलूदगी से ख़ुद को महफूज रखें और मौसमों की तब्दीली से भी खुद को महफूज रख सकें। बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और माहौल को साफ रखना मुश्किल तरीन होता जा रहा है। बढ़ती हुई आलूदगी और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है और सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। इसी वजह से इंसान, जानवर और परिंदे सब के सब इससे बेहद मुतासिर हो रहे हैं। इसी वजह से बहुत से नायाब जानवर भी नापैद होते जा रहे हैं। इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमने आज दावत दी है सर हसन बिन सादत को, जो कि इन्वायरमेंटल साइंसेस में पीएचडी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा इन्वायरमेंटल साइंसेस में प्रोफेसर की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं आपकी इंतहाई मशकूर हूँ, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अरफा और थैंक यू वेरी मच शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ फॉर हैविंग मी अगेन हेयर। और उम्मीद है कि आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बहुत अहम टॉपिक है और इस पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं लोगों को सेंसिटाइज भी करूं और लोगों को अवेयर भी करूं कि किस तरह से हमें अपना रोल प्ले करना है अपने माहौल को अच्छा और साफ सुथरा बनाने में। ये थैंक यू सर। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है और पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है? जी आपने तो जैसे बताया, आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्टार्ट हुआ था 1972 में, यूनाइटेड नेशंस ने जो है इस डे को स्टार्ट किया था। और ये भी मैं बता दूं कि एनवायरनमेंट मूवमेंट की जब हम बात करते हैं और एनवायरनमेंट आज बच्चों को पढ़ाया भी जाता है एज अ सब्जेक्ट, तो ये जो सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाया जाता है और मूवमेंट स्टार्ट हुई है ये बहुत लेटेस्ट है। और 1960 में एक किताब लिखी थी एक खातून ने जिसका नाम था रिचल कार्सन, उस किताब का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। उस किताब के बाद एनवायरनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई। 1970 में अमेरिका में जो है वो पहला एनवायरनमेंट का कानून आया था जिसे हम नीपा कहते हैं, नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद ये एनवायरनमेंट मूवमेंट पूरी दुनिया में स्टार्ट हुई और फिर 1972 में 5 जून को जो है वो डिक्लेयर किया गया 1972 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उस दिन के बाद से हर साल 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज इसको होस्ट करती हैं और फिर उस डे के हिसाब से लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस सेशंस, एडवोकेसी और मूवमेंट्स जो हैं वो चलाई जाती हैं। इस साल जो थीम है हमारा वो है एनवायरनमेंट डे का लैंड रिस्टोरेशन, कि हमने ज़मीन को जो है रिस्टोर करना है, अपनी ज़मीन जो है जिसको हम पोल्यूट कर चुके हैं उसको हमने रिस्टोर करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ज़मीन को पोल्यूट जो हो रही है उसको अगर हम रिस्टोर नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे पास जो ज़रई ज़मीन है वो बंजर हो जाती है और डेजिटिफिकेशन हो जाती है, यानी सहराओं में मुंतकिल हो जाती है। तो इस साल हमारा थीम जो है वो ये है। और इस साल जो कंट्री उसे होस्ट कर रही है वो सऊदी अरब है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट कर रहा है। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है दिन, बिकॉज मकसद ये है लोगों को, अवामुन्नास को, यूथ को, पब्लिक को एट लार्ज सेंसिटाइज किया जाए, अवेयर किया जाए, ताकि वो अपने माहौल को साफ रखें। और माहौल साफ होगा तो आप सेहतमंद होंगे और आप सेहतमंद होंगे तो आप अपना रोल प्ले करेंगे मुल्क की तरक्की में और मुल्क की प्रोडक्टिविटी में। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की है। सर अब ये बताएं कि कुरा अर्ज की मौजूदा हालत क्या है और अब हमें कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? इस वक्त अगर हम माहौलियाती मसाइल की बात करें तो आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त हमारे पास है वो मौसमियाती तब्दीलियों का है, क्लाइमेट चेंज का है। इनफैक्ट अब तो हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज क्लाइमेट एमरजेंसी, क्लाइमेट क्राइसिस। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो माहौलियाती तब्दीलियों का है और आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में जो है बहुत मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। बहुत रिसेंट एग्जाम्पल्स अगर आप देख लें तो आप देख लें दुबई में जो कि एक सरा था, रेगिस्तान मतलब था, उसको डेवलप कर दिया उन्होंने, इस वक्त वहाँ पे फ्लड्स आ गए और जिस तरह फ्लड्स ने वहाँ पे तबाही की बहुत ज़्यादा है। फिर ब्राज़ील में आप फ्लड्स देख सकते हैं, ये बहुत सीवियर किस्म के हैं। अब हम आ जाते हैं और इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो हीट वेव हमारे पास आप देख रहे हैं
मरगला की पहाड़ों में या जंगलात में आग लग चुकी है, और भी बहुत सी जगहों पे जंगलात में आग लग चुकी है। कुछ अर्सा पहले बलोचिस्तान के जंगलात में आग लग चुकी थी। इससे पहले अगर चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर थी 2019 में 20 में, बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ। सो मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो पूरी ग्लोब में हमें नज़र आ रही हैं, इसलिए इस्तेमाल होता है टर्म ग्लोबल वार्मिंग के। पूरे ग्लोब का इशू है, ये ग्लोबल इशू है। आप देख सकते हैं बहुत से ममालिक में फ्लड्स आ रहे हैं, लीबिया में फ्लड्स आए बहुत अर्सा पहले, ठीक है ना। तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा, हरिकेन्स की अगर हम बात करें समुद्री तूफान की, तो अमेरिका की तमाम स्टेट्स जो हैं बड़ी जो साहली पट्टियों में हमारे पास पट्टी हैं, जहाँ पे साहली इलाके हैं, फ्लोरिडा में अगर मिसाल दें तो बहुत ज़्यादा रेगुलर हमारे पास फ्लड्स आ रहे हैं। सो दुनिया में आपको बहुत से जगहों पर मौसमी तब्दीली के नतीजे में हमें बहुत सारे डिज़ास्टर्स, बहुत सारी तबाहियाँ नज़र आएंगी। तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इसके साथ साथ स्मॉग, वाटर एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है, वाटर पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है, बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत बड़ा इशू है, सी लेवल राइज बहुत बड़ा इशू है। अगर आपका मौसमी तब्दीलियाँ होती रहीं, समंदर जो है वो अगर आपके ग्लेशियर्स पिघलते रहे, आपकी बर्फ़ पिघलती रही, तो इसके नतीजे में जो आपके साहली इलाके हैं वो डूब जाएंगे, दैट्स अ वेरी बिग इशू। सो ये मेजर हमारे पास इशूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कह सकते हैं, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। ये हमारे पास मेजर माहौलियाती मसाइल हैं जो दुनिया फेस कर रही है, और जो जिसमें डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स और डिजास्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि ये किस तरह से असरअंदाज होता है। क्लाइमेट चेंज जो है, मौसमी तब्दीलियाँ जो हैं, ये इसकी दो बहुत बड़ी रीजंस हैं। एक तो है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटना। जब आप जंगल काटते हैं तो आप एक बैलेंस को ख़राब करते हैं। जंगल जो है वो दुनिया में एक बैलेंस रखते हैं, क्योंकि आप सबको इल्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो पकड़ते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो पकड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर रहे हैं, दे आर कार्बन सिंक्स, दे आर कार्बन स्टोरेज, और फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे है, मैंने मिसाल दी थी, अगर आपको खुदाना का मिसाल देता हूँ आपको समझ आ जाएगी। एक बंदे को सर्दी लग रही है तो आप उसे चादर ओढ़ा दें, तो चादर ओढ़ लेंगे तो आपको सर्दी में काफ़ी फाका हो जाएगा, फिर आप उसे कंबल ओढ़ा दें काफ़ी फाका होगा। लेकिन अगर आप उसको रज़ाई ओढ़ दें और रज़ाई के अलावा रज़ाई की भी तीन तहें ओढ़ा दें उसे, तो बंदा जो है उसका दम घुट जाएगा, उसको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये हाल दुनिया के साथ हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर है जो ज़मीन के गिर्द है, और उसका मकसद ये है कि हमारे जो दुनिया का टेम्परेचर है वो एक स्टेबल रखा जाए, उसको एक स्टेबल जो है टेम्परेचर मेंटेन हो, जो कि हम मिसाल देते हैं क्लाइमेट माहौलियाती साइंटिस्ट कहते हैं कि इस वक्त दुनिया का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन चूंकि बार बार हम रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारे रिलीज़ कर रहे हैं, तो हमारी वो जो लेयर है वो थिक से थिक होती जा रही है। तो हमें जो टेम्परेचर चाहिए था वो 15 था, लेकिन अब वो 15 से बढ़ के 15.5, 16.5, और हम क्लाइमेट चेंज के टर्म में से कहते हैं 1 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना ये बढ़ता रहेगा ये हमारे लिए नुकसानदेह है, और ये है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके नतीजे में मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं, जिसके नतीजे में हमें नज़र आ रहा है कि कहीं पे तूफान आ रहे हैं, कहीं पे हीट वेव आ रही है, कहीं पे स्मोग हो रही है, कहीं पे हमारे पास डिजास्टर्स आ रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, कहीं पे हम देख रहे हैं बीमारियां फैल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब इकट्ठे हो रही हैं, और ये रीज़न है क्लाइमेट चेंज का, जिसमें सबसे बड़ी कॉज है ग्रीन हाउस गैसेस की। फिर मैंने बात की, दो रीज़न्स हैं, और एक है ग्रीन हाउस गैस की राइज, दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। ग्रीन हाउसेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, फॉसिल फ्यूल, कोयला, गैस, और हमारे पास जो हमारे पास पेट्रोल है, ऑयल। सो ऑयल, कोल एंड गैस, अब इसको जलाते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट की अमाउंट जब बढ़ती है ऑटोमेटिकली दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता है। छोटी से फिगर्स दे दूँ, मिसाल दे देता हूँ, ये सारी मौसमियाती मसाइल जो हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब स्टार्ट हुए हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, सनअती तरक्की के दौर के बाद। और सनअती तरक्की के दौर के जो हमारे पास मिलती हैं हम देखते हैं, यह 1800 के बाद शुरू हुई, 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ। 19वीं सदी से पहले कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हवा में जो थी वो 280 पार्ट्स पर मिलियन थी, उसका यूनिट है ppm कहते हैं, 280 ppm थी। इस वक्त हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 420 ppm से बढ़ चुकी है, विच इज़ अलार्मिंग, और अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ती रहा ही है। और अगर हम आज इसको रोकें भी सही तो ये रुकेगी नहीं फ़ौरन, इट विल टेक टाइम अनदर 50 to 60 years। तो ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत अलार्मिंग टाइम हमारे पास, कि इतनी ज़्यादा सनअती तरक्की हो गई है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो चुकी है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हमें नज़र आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज और मौसमी तब्दीलियाँ। और अगर दूसरी जगह, एक तरफ CO2 बढ़ गई, दूसरी जगह पर क्या हुआ, हमने पौधे काट दिए,
तो दो चीजें हो गई, एक तो उसको पकड़ने वाली सोर्स कम हो गई, एक उसकी अमाउंट वैसे बढ़ गई. सो डिफोरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दोनों ने कार्बन डाइऑक्साइड को अमाउंट को रिलीज बहुत ज्यादा कर दिया और हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज नजर आ रहा है. बिल्कुल. अच्छा सर, माहौलियाती तब्दीलियों का कुदरती वसाइल के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है आपका जब क्लाइमेट चेंज होता है. तो आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी से मुराद ये है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या हमारे पास, हम देखते हैं बारिशें हो रही हैं, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, एक्सट्रीम बारिशें हो रही हैं, बल्कि एक टर्म इस्तेमाल होती है रेन बॉम की, एकदम इतनी बारिश होना कि आप कंट्रोल ना कर सकें, फिर फ्लड्स आ रहे हैं. अब जब फ्लड्स और बारिशें होती हैं तो क्या होता है, इसके नतीजे में आपकी फसलें तबाह होती हैं. इसके नतीजे में आपके पास जो फ्लड्स के नतीजे में आपके पास बहुत ज़्यादा फसलें तबाह होती हैं, नुकसान होता है. दूसरी जगह पे हम देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में बहुत सारी हमारे पास जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. क्लाइमेट चेंज के नतीजे में आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो जो डिस्ट्रॉय करते थे, अब वो उनका इम्पैक्ट बहुत बढ़ गया है. हमें नज़र आता है टिड्डी दल का हमला, लोकस अटैक, हमारी फसलें अगेन तबाह हो रही हैं. सो ऑटोमेटिकली नेचुरल बैलेंस जब ख़राब होता है तो नेचुरल बैलेंस के ख़राब होने के नतीजे में आपकी तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उन पर प्रेशर बढ़ जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है. अगर हीट स्ट्रोक होगा, सूरज की तपिश में इजाफा होगा, उससे भी फसलें की जो प्रोडक्टिविटी है मुतासर होती है, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, नुकसान हो जाता है. फिर आप देखें फॉरेस्ट फायर, आग लग जाती है. आग लगने से क्या होगा, अगेन आपके दरख्त जल जाएंगे, आपकी फसलें जल जाएगी. तो इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को. सो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज. अच्छा, फिर सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, बर्ड्स भी मुतासर होते हैं, एनिमल भी मुतासर होते हैं. बर्ड्स का स्लीप साइकिल, बर्ड्स का माइग्रेशन पैटर्न, बर्ड्स का एग लेइंग पैटर्न, ये सब इफेक्ट होता है. इंसानों की लाइफ तो हो रही है, मुतासर हो रही है. अच्छा, फ्लावर्स की बात करें, फूलों का खिलना, फ्लावर्स का बनना, बीज का बनना, ये सब मुतासर होते हैं क्लाइमेट चेंज के नतीजे में. तो क्लाइमेट चेंज जो है हर सेक्टर को इफेक्ट कर रहा है. ये ऐसी चीज़ है जो हर आप देख लें, जीरो हर जो भी जानदार चीज़ है उसको इफेक्ट कर रही है. तो इट इज़ वेरी डेंजरस. बिल्कुल सर, आबी आलूदगी की अगर हम बात करें तो आबी आलूदगी से एक्वा कल्चर पर क्या असर हो रहा है? इस वक्त आबी आलूदगी की बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला है, बहुत सी स्टडीज आ चुकी हैं, इस वक्त हमारे दरियाओं में, हमारे समंदरों में, हमारे पानियों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक है. बिल्कुल. तो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. और प्लास्टिक में क्या है, प्लास्टिक के स्ट्रॉज, प्लास्टिक के शॉपर, जिसे हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है. एक्वा कल्चर एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप फसलें उगाएं पानी के अंदर, लेकिन अगर वो पानी पोल्यूटेड होगा, वो पानी जो है वो गंदा होगा, उसके अंदर प्लास्टिक होगा, उसके अंदर हैवी मेटल्स होंगे, उसके अंदर केमिकल्स होंगे, तो वही केमिकल्स, वही हैवी मेटल्स, वही प्लास्टिक खुदा ना खास्ता आपके फूड के अंदर, आपकी क्रॉप्स के अंदर, आपकी मछलियों के अंदर आएगा. और इस वक्त ये स्टडी आ चुकी है कि माइक्रो प्लास्टिक एक टर्म है जो कि बहुत छोटे प्लास्टिक्स हैं, नज़र भी नहीं आते, ये पानी के अंदर हैं, ये मछलियों के अंदर हैं, ये हमारे उन क्रॉप्स के अंदर हैं जो एक्वा कल्चर के नतीजे में हैं. बल्कि अब तो ये हमें देखने को मिले हैं कि ये इंसानों के ब्लड के अंदर भी आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम चीज़ें जब हैं वो ज़मीन से ले रहे हैं. हमारा जो इन्वायरमेंट है रिसोर्स बेस है, हमारी फूड, हमारा एयर, हमारा वाटर, एवरी थिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन सॉइल, एयर एंड वाटर. अगर आपकी आबी आलूदगी होगी, आपकी हवाई आलूदगी होगी, ज़मीनी आलूदगी होगी, तो हमारी जो भी खुराक है, जो भी हम चीज़ ले रहे हैं वो वहाँ से आ रही है, उस सब के अंदर वो आलूदगी होगी. और अल्टीमेटली वो आलूदगी हमारे अंदर आएगी, और जब हमारे जिस्म के अंदर होगी तो हमें बीमार करेगी. आप देख सकते हैं ऐसी बीमारियाँ बहुत सी आ रही हैं जो पहले नहीं थी. उसके रीज़न ये है कि हमारे इन्वायरमेंट सही नहीं है. हम एक बात बहुत प्रमोट करते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट्स हेल्दी लाइफ, हेल्दी इन्वायरमेंट्स हेल्दी ब्रेन्स, हेल्दी इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट मीन्स आपकी हेल्थ बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी. सो ये सब चीज़ें, हेल्दी इन्वायरमेंट हेल्दी चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम प्रमोट करते हैं, फोकस करते हैं. सर, अभी हम आलूदगी की बात कर रहे थे, अभी आलूदगी की, तो प्लास्टिक की जहाँ तक आपने बात की है कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा है पानी में, तो एक अंदाजे के मुताबिक जो है तकरीबन 2000 ट्रक जो है वो रोज़ाना उसका जो फजला है प्लास्टिक का फजला, वो रोज़ाना जो है वो झीलों, समुद्रों और दरियाओं में जो फेंका जा रहा है, तो इसका तदारुक किस तरह से किया जा सकता है, कि क्या इसकी रिसाइकलिंग हो रही है ठीक तरीके से या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने. देखें दो तीन चीज़ें मैं बता दूँ आपको. जब हम एयर वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एक तो है प्लास्टिक, उसका तो रोकना होगा हमें यूज़. अब 5 जून को इस सफा जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो प्लास्टिक बैग पे बंदी लगा दी है.
मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमें ये चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। आप कुछ ऐसा पहले देख लें, लोग दूध लेने जाते थे, लोग दही लेने जाते थे तो अपने साथ डब्बा लेके जाते थे। हमें प्लास्टिक ने बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है हमारे हमें ज़िंदगी आसान भी की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा हमें डिस्पोजेबल लाइफ के ऊपर डाल दिया। हमें पानी को अगर साफ रखना होगा तो हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकना होगा, हमें इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी होगी, कम करना होगा। दूसरी बात यह है कि हमें इंडस्ट्रीज़ का गंदा पानी दरियाओं में, झीलों में, तालाबों में नहीं डालना होगा, ताकि हैवी मेटल्स, हार्मफुल केमिकल्स पानी में ना जाएं। तो इसके लिए नतीजा ये है, सोल्यूशन ये है कि हमें रोकना होगा। फिर आता है ट्रीटमेंट। पहली बात है कि आप स्टॉप करें कि जो चीज़ रुक सकती है उसको रोकें। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है। कई इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, क्लोरीनेशन होता है, BOD होता है, COD होता है। ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है, मैं इस पर जा रहा नहीं जा रहा, मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ कि वाटर ट्रीटमेंट के मेथड हैं, टेक्नोलॉजीज आर देयर, हमें उनको अडॉप्ट करना होगा। इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री का और है, बेवरेज इंडस्ट्री का और है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और है। डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं और लगाने चाहिए और ज़रूरी हैं। सही, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो वो हीट वेव की तरफ आते हैं दोबारा से, कि हीट वेव बढ़ने की वजह तो आपने बता दी है, तो इसको इसका किस तरह से हम तदारुक कर सकते हैं, कि किस तरह से इस पर हम रोक सकते हैं? जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने फिर बात की, हीट वेव जो हमें नज़र आ रही है, एक तो क्लाइमेटिक चेंज है जो हमें नज़र आ रहा है, मैंने बताया था मौसमी तब्दीलियाँ जो हैं उसके नतीजे में ये चीज़ें, और कहीं पर बारिशें हो रही हैं और कहीं पर एकदम से हीट वेव आ रही है। दूसरी रीज़न क्या है, हमारे पास प्लांटेशन जो है, हमने उसको डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत बड़ी कॉज है। पाकिस्तान में इस वक्त भी जंगलात जो है वो 5% से कम है। एक किसी भी मुल्क में जंगलात 25% होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतना ज़्यादा मसला क्यों है, हमारे पास जंगलात ही नहीं है, पौधे ही नहीं है। आप जब दरख्त लगाते हैं तो दरख्त जो हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, व्हेन यू प्लांट अ ट्री यू प्लांट अ लाइफ, व्हेन यू प्लांट अ ट्री यू प्लांट अ होप। आप जब प्लांट कर लगाते हैं तो पौधा जो है वो एक कम्प्लीट पैकेज है, वो ज़मीन को भी रोकता है, वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को भी कम करता है, वो आपको फूड भी प्रोवाइड करता है, वो बर्ड्स के लिए शेल्टर भी है, वो आपकी एयर को क्लीन भी करता है, वो आपके जो है क्या नाम है, आपके लिए वुड भी प्रोवाइड करता है। तो प्लांट जो है इट्स अ कम्प्लीट पैकेज। आपने अगर हीट स्ट्रोक को बचना है, हीट वेव से बचना है, तो आपको प्लांटेशन को प्रमोट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर रहें। अच्छा, मैं बात करूँ अगेन, कोशिश करें इंडोर रहें और अपनी देसी मशरूबात जो हैं यूज़ करें, सत्तू पिए, लस्सी पिए, ये हमारी चीज़ें थी। मैं बार बार कहता हूँ, हमने जो अपनी लाइफ को है ना बहुत ज़्यादा मैकेनाइज कर दी है, हमें अपने लाइफ को सिंपल लाइफस्टाइल पे आना होगा। आप सिंपल लाइफस्टाइल को अपनाएं, कोशिश करें अपना नेशनल ड्रेस पहने, क्योंकि नेशनल ड्रेस जो आपका है ये भी बहुत लाइट वेट होता है, ये आपके समर के टेम्परेचर के मुताबिक रखता है। अगर आप वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो आपको देखें उसमें कितनी लेयर्स हैं, आपको अजीब गर्मी ज़्यादा लगती है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो एक डिबेट और तरफ चली जाएगी। लेकिन बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जितना सिंपल लाइफस्टाइल अपनाएंगे, जितना अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से, कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से चलेंगे, तो आपके लिए अडॉप्ट करना, आपके लिए उसके मुताबिक जो है ना अपने आप को एकोमोडेट कर सकेंगे, आप एक्लेमेटाइज कर सकेंगे आप अपने आप को। बिल्कुल सही सर। अभी अब बार बार आपने 2-3 दफ़ा आग की बात की है कि जंगलों में आग लग रही है, तो इसमें आग लगने की वजह क्या है, कि गर्मियों में ही आग क्यों ज़्यादा लगती है? इसकी 2 रीज़न्स हैं, बता देता हूँ। एक तो नेचुरल है और दूसरी मैन मेड है। जंगलात में आग क्यों लगती है? जंगलात में पत्ते जो है ना, जब जंगलात में गिरते हैं तो जितने भी जंगलात में कई पौधों के पत्ते जो हैं वो ईंधन हैं, पत्ते जो हैं वो फ्यूल हैं। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है मरी में, पतरियाटा में, भूरबन में, और स्पेशली अप्रैल के बाद से लेके ये जुलाई अगस्त तक ये मौसम जो है इसे कहते हैं फायर सीज़न। आपके जो वहाँ पे पौधा है उसे कहते हैं चीड़, बहुत ज़्यादा नॉर्मली ग्रो करता है। चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो उसे नीडल्स कहते हैं, और उनके अंदर रेजन्स हैं, उनके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो फ़ौरन आग पकड़ते हैं। सो वहाँ पे रीज़न ये है कि हमारे पास जंगलात में, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, वहाँ पे ज़्यादा होता है पाइन, जिसे हम चीड़ कहते हैं। चीड़ के पत्ते जो हैं वो फ़ौरन से पहले आग पकड़ते हैं। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली एक तो टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा राइज करने की वजह से वो उन पत्तों में आग लग जाती है। दूसरी रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ लोगों को सेंस नहीं है, कोई बंदा गुजार रहा है उसने सिगरेट फेंक दिया, कोई बंदा गुजार रहा है उसने तीली जलाई और वो फेंक दी। और ये चूंकि मैंने बताया ये ईंधन है, जब एक दफ़ा उसको आग लगती है तो फिर वो आग फैलती है। जंगल में आग की तरह फैलना मुहावरा इसलिए कहा जाता है कि फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको उसका तदारू करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ वहाँ पर फ्यूल है, और वो फ्यूल क्या है मैंने बताया, पौधों के पत्ते, और इसमें स्पेशली चीड़ की नीडल्स, पाइन नीडल्स उन्हें कहते हैं, वो तो बहुत रेडीमेड हमारे पास फ्यूल है, और इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि फायर वॉश टावर्स हों,
لوگ جو وہاں پہ محکمہ جنگلات والے ہیں ان کے فائر واچ ٹاورز ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خدا نہ خاصا کہ آگ بھڑکی ہے یا آگ کہیں پہ سلگ رہی ہے تو فوراً اس کو روک لیں, کیونکہ آگ کو شروع میں روکنا آسان ہے, خدا نہ خاصا ایک دفعہ وہ پھیل جائے پھر وہ کئی ایکڑ کئی سو ایکڑوں میں جاتی ہے اور جلاتی ہے, اور صرف پرندے اور جانور نہیں جلتے, خدا نہ خاصا گھر بھی جل جاتے ہیں اور لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا, اور ہمیں تدارک کے لیے رول یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو جیسے پھیلے اس کو کنٹرول کر لیں. بالکل صحیح. آرگینک اور ان آرگینک فوڈز میں کیا فرق ہے, اور جو کھاد دی جا رہی ہے پودوں کو اور کیڑے مار ادویات ڈالی جا رہی ہیں, اس سے جو ہے وہ زمین کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آرگینک فوڈ اور انآرگینک فوڈ کون سی ہے؟ آرگینک فوڈ سے مراد ہوتی ہے نیچرل فوڈ جسے ہم کہتے ہیں جس کے اندر کیڑے مار اسپرے نہ ہو. انآرگینک سے مراد ہے وہ تمام فوڈ جو لیبارٹری میں بنتی ہیں, وہ تمام آپ کے مثال کے طور پہ ہم جسے کہتے ہیں پروسیس فوڈ ہے آپ کا, اس میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ پروسیسنگ کی جاتی ہے اور کتنا زیادہ اس کے اندر کیمیکلز یا اس کے اندر مثال کے طور پہ شیلف لائف انکریز کرنے کے لیے آپ ڈال دیتے ہیں اسٹیبلائزر, آپ کہتے ہیں کہ شیلف لائف انکریز ہو جائے جس سے وہ خراب نہ ہو, تو وہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. انآرگینک فوڈ تو آپ کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو آرٹیفیشلی لیب میں بنائی جاتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں آرگینک فوڈ سے یا آرگینک فارمنگ سے مراد کیا ہے. آرگینک فارمنگ آرگینک فوڈ ہوتی ہے جس پہ پیسٹیسائڈ کا اسپرے نہ ہو, انسیکٹیسائڈ کا اسپرے نہ ہو, فرٹیلائزر نہ ڈالے ہوں, اسے کہتے ہیں آرگینک فوڈ جو کیمیکل سے پاک ہو. انآرگینک وہ ہے جس میں کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں. تو جب بھی آپ کیمیکل ڈالیں گے, جب بھی آپ باہر سے کوئی چیز ڈالیں گے تو آٹومیٹیکلی زمین کو بھی پلوٹ کرے گی, جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو بھی وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے. آرگینک فوڈ جو ہوتی ہے چونکہ وہ نیچرل ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی کیمیکلز نہیں ڈالے جاتے, وہ صحیح ہوتی ہے. میں مثال دے دیتا ہوں, دیسی انڈے آرگینک ہیں, دیسی مرغی آرگینک ہے, دیسی گھی آرگینک ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو یہ سب چیزیں کھاتے تھے. آپ آج سے 50 سال جا کے پہلے لوگوں سے پوچھیں, جب برائلر آیا, جب ہم نے ڈالڈا اور باقی گھی آئے, ڈالڈا کا میں نے ویسے نام لے لیا, کوئی بھی مثال کے طور پہ گھی کمپنی آ گئی, تو آپ نے جو ہائیڈرونیٹڈ انڈسٹریز بنی, آئل ملز بنی, وہاں سے جو تیل آ رہا تھا اس کے برعکس سرسوں کا جو تیل تھا وہ آرگینک تھا, یا دیسی کی جو تھا آپ کا آرگینک تھا. ان کے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. آپ جو بھی پروسیسڈ فوڈ یا پروسیسڈ کیمیکلز لیں گے ان سب کے سائڈ افیکٹس ہیں, ان سب کے نقصانات ہیں. ہم نے آج دیکھیں برائلر شروع کر دیا, ہم نے اب فارمی انڈے شروع کر دیے, اور آپ دیکھیں لوگوں سے بہت پوچھیں ان کے نقصان ہیں, ان کے اندر ہارمونز ڈالے جاتے ہیں, ان کو آرٹیفیشلی گرو کیا جاتا ہے. اس کے برعکس دیسی فوڈ اچھی ہے, اور اب اس کو فینسی نام دیا جاتا ہے. آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں, آج بھی ویسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ وی آر موونگ ٹوورڈز آرگینک فوڈ, وی آر موونگ ٹوورڈز آرگینک فارمنگ, تاکہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے کیمیکل سے پاک جو ہے فوڈ کی طرف آ سکیں. ہمیں اپنے اگین واپس میں بات کروں گا, ہمیں اپنے سمپل لائف اسٹائل پہ آنا ہوگا, ہمیں دوبارہ سے ان چیزوں کو اپنانا ہوگا, کیونکہ جتنی چیزیں سمپل تھیں, لائف اسٹائل سمپل تھا, آپ ہیلدی تھے. جتنا زیادہ آپ نے آرٹیفیشیل چیزیں ڈالی, کیمیکلز ڈالے, اسٹیبلائزر ڈالے, فوڈ پریزرویٹیوز ڈالے, فوڈ ایڈیٹیوز ڈالے, وہ سب نے آ کے آپ کو جو ہے نقصان پہنچایا, اور اس کا لانگ رن میں نقصان زیادہ ہے فائدے کم ہے. ہاں جی, اس کی ایگزامپل جیسے چینی اور شکر. شکر بہت بہتر ہے آپ کے لیے, وہ پروسیس نہیں ہوتی. گڑ بہت بہتر ہے آپ کے لیے, وہ پروسیس نہیں ہوتا. شکر چینی جتنی زیادہ آپ ڈالیں گے نقصان دہ. میں تو الحمد للہ کتنے سال سے اب شکر والی چائے پی رہا ہوں, میں پروموٹ کرتا ہوں آپ ڈالیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری جو چیزیں تھیں, اچھا یہ میں بات پھر کر دوں, چلیں یہ ٹاپک سے ہٹ کے ہوگا, لیکن کاربونیٹڈ ڈرنکس نقصان دہ ہیں. آج کل ایک کمپین چل رہی ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور آپ کر رہے ہیں, بٹ میں بات کرتا ہوں بھائی کہ آپ کے پاس نیچرل چیزیں بہت بہتر تھیں. لسی اور بوتل کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے, ستو اور بوتل کا کمپیریزن ہی نہیں ہے, شربت اور بوتل کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. کاربونیٹڈ ڈرنک میں آپ کو وہ ایسیڈیٹی کرتی ہے, وہ آرٹیفیشیل ہے, اس میں شوگر اتنی زیادہ ہے. اس کے برعکس اگر آپ ستو پی لیں, آپ لسی پی لیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں, آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس لیے بات میں کرتا ہوں کہ ہمیں واپس آنا ہوگا آرگینک اور بیسک لائف اسٹائل کے اوپر. بالکل صحیح. جیسے کچن گارڈننگ جو ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت اہمیت ہے. دیکھیں آپ جب فصلیں لیتے ہیں, انفارچونیٹلی ہماری فصلوں کو اگر پانی دیا جاتا ہے گندے نالے کا, ہماری فصلوں کے اندر اسپرے کیے جاتے ہیں, کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں, تو وہ اس میں پتہ نہیں ہزار قسم کے کیمیکلز ہیں. اس کے برعکس اگر آپ کچن گارڈننگ کرتے ہیں, روف ٹاپ گارڈننگ کرتے ہیں, اپنی چھت کے اوپر فصلیں گرو کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے خود گرو کی ہیں, کیمیکل سے پاک, اسپرے سے پاک, گندے پانی سے پاک, ہیوی میٹل سے پاک. تو کچن گارڈننگ بہت بینیفیشیل ہے, بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں ہم لوگ پروموٹ کرتے ہیں, محکمہ زراعت پروموٹ کرتا ہے, محکمہ جنگلات پروموٹ کرتا ہے,
मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप कोशिश करें 2, 4, 8, 10 गमले घर में लगा लें। पुदीना घर में ग्रो कर सकते हैं, धनिया घर में ग्रो कर सकते हैं, लहसुन घर में ग्रो कर सकते हैं, प्याज घर में ग्रो कर सकते हैं। इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बस डालें और उग जाते हैं। और फिर एक दफ़ा उग जाएं तो आप काटते रहें और आप करके देखें कि बहुत हेल्दी हैं, बहुत आपके लिए बेहतर हैं। तो मैं तो आशा कहता हूँ कि हमें इस चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए, वो नीड टू अगेन के बेसिक चीज़ें। और आप मैं अगेन बात करूँगा रसूख से, क्योंकि मैं घर में, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ, आप अपने घर में जो उगाई हुई सब्जी जब ग्रो करेंगे और खाएंगे, आपका सब्जी खाने का दिल भी चाहेगा और वो सब्जी आपके लिए सेहतमंद होगी, नुकसानदेह नहीं होगी। सबसे अच्छी बात ये है, खुद भी अच्छा लगेगा कि हमारी अपनी उगाई हुई है तो अपनी उगाई हुई उसका मजा कुछ और होगा, अपने हाथ की उगाई होगी तो उसका मजा कुछ और होगा। और ये थोड़ा सा हटके है कि साथ ही मुर्गियां भी पाल लें तो मैंने घर में मुर्गियां पाली हुई हैं, मेरे घर में देसी अंडे होते हैं। तो मैं इसलिए बात करता हूं कि अगेन आप जो भी जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो अपने आप को अगर आप नेचर से कनेक्ट करेंगे ना, वी हैव टू गो बैक टू द नेचर। जितना नेचर से करीब रहेंगे उतना आप देखेंगे आपके लिए आसानी होगी, उतना आपको सुकून होगा, पीस ऑफ माइंड बहुत मिलेगा। ये भी एक बात कर दूं, आजकल के अफरा तफरी दौर में हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमारी ज़हनी सुकून नहीं है, तो हम डिसकनेक्ट में हैं नेचर से। जितना आप अपने आप को नेचर के करीब लाएंगे, कुदरत के करीब लाएंगे, उतना सुकून होगा। ये एक बहुत इस वक्त फोकस है, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। मेरा एक कोर्स है, मैंने एक कोर्स हम फोकस करते हैं, पढ़ाते हैं, जिसमें हम पढ़ाते हैं इकोलॉजी एंड रिलीजन। उसमें बात करता हूँ हम कि कितना ज़्यादा आप मज़हब, जितना ज़्यादा आपका कुदरत से ताल्लुक़ होगा, आप नेचर के करीब होंगे, उतना आपको ज़हनी सुकून होगा। और आपका जो मज़हब है वो आपको नेचर से कनेक्ट करने की बात करता है, वो आपको नेचर से जोड़ता है। बिल्कुल सही सर। इनफरादी अमाल का माहौल पर किस तरह से असरानंदाज होता है और किस तरह छोटी छोटी तब्दीलियाँ जो बड़े बड़े तरीके से जो असरानंदाज हो सकती हैं। मौलाना रूमी ने एक बात की थी, यस्टरडे आई वॉज क्लेवर आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, कि कल जो था मैं बड़ा चलाक था, मैं चाहता था कि मैं दुनिया को चेंज करना चाहता था, टुडे आई एम इंटेलिजेंट आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। आज जो है मैं ज़हीन और मुझे पता है अगर मैंने चेंज होना है तो मुझे चेंज अपने आप से करना है। इसी तरह गांधी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, गांधी साहब सेड बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, वो चेंज बन के दिखाएं जो आप चेंज देखना चाहते हैं दुनिया में। सो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आपका इंडिविजुअल स्टेप जो है वो बहुत मैटर करता है कि आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। देखें मैं बार बार फोकस करता हूँ, आपका हर बंदे का इंडिविजुअल स्टेप बहुत मैटर करेगा एनवायरमेंट के लिए। आप अगर पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, आप अगर प्लास्टिक शॉपर नहीं यूज़ करेंगे, और मिसाल के तौर पे मैं छोटे मोटे मिसाल दूंगा, मैं अगर दही और दूध लेने जाता हूँ तो मैं डब्बा लेके जाता हूँ, उसमें दही और दूध लेकर आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ बाहर कम से कम खाया जाए, घर का लंच बॉक्स मैं लेकर आता हूँ। आज भी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाता हूँ तो लंच बॉक्स लेकर आता हूँ, क्योंकि आप जब बाहर से खरीदते हैं तो प्लास्टिक शॉपर आता है, प्लास्टिक बैग आता है, उसको रोकना है। प्लास्टिक बोतलें मैं अवॉइड करता हूँ, मेरे पास घर में, मेरे पास ऑफिस में, मेरे पास स्टील की बॉटल है जिसको मैं रीफिल करता हूँ। तो ये वो स्टेप्स हैं छोटे छोटे जो आप ले सकते हैं। तीन चीज़ें हैं जो हम बहुत यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, हम फोकस करते हैं रिड्यूस, आप क्या चीज़ रिड्यूस कर सकते हैं, देन रीयूज, आप क्या चीज़ रीयूज कर सकते हैं, देन थर्ड रिसाइकल, क्या कर सकते हैं। फिर वही बता रहा हूँ मैं आपको, अपने अपने स्टेप्स लेने हैं। इंफ्रादी तौर पे प्लांटेशन करें, पौधे लगाएं, कोशिश करें कि आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाले में ना हो, एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाले में हो। एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट होती है, आइदर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। And remember, if you are not part of the solution, तो आप समझ जाएंगे। अगर आप solution का हिस्सा नहीं हैं तो फिर आप समझ जाएंगे मैं कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा। तो अगेन हर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, आप कोशिश करें अपना रोल प्ले करें एनवायरमेंट अवेयरनेस में, एनवायरमेंट क्लीननेस पे, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल में। एक टर्म इस्तेमाल की जाती है वाटर फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन वो मुराद ये होता है कि आप कितने माहौल दोस्त हैं, कितने हवा दोस्त हैं, कितने पानी दोस्त हैं। मुराद है कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो क्या पोल्यूशन कर रहा है, या आपका जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरनमेंट को सेव कर रहा है। तो बहुत से स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं, हर इंडस्ट्री के लोग ले सकते हैं, हर सेक्टर के लोग ले सकते हैं। आप जिस भी सेक्टर में हो कोशिश करें कि कम से कम वेस्ट करें, कोशिश करें कि आप एनवायरनमेंट माहौल दोस्त रवैया अपनाएं। तो अगर आप माहौल दोस्त रवैया अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। माहौल साफ होगा तो ऑटोमेटिकली पीस ऑफ माइंड होगा, आप पीस ऑफ माइंड होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ बेहतर होगी। तो ऑटोमेटिकली आपने अपने स्टेप्स लेने हैं। फिर मैं बात करता हूँ अपने हिस्से का दिया जलाएं, अपने हिस्से की क्षमा जलाएं। दिया है, दिया जलता है, जब आप अपने हिस्से की क्षमा जलाएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल स्प्रेड पॉजिटिविटी, इट विल स्प्रेड हैप्पीनेस, इट विल स्प्रेड दैट चेंज। और वो चेंज जो है वो मिलके बढ़ता है, एक से एक जब आप रोशन होता है दिया जलता है।
اچھا سر، ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے حکومتیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں، اور کیا پالیسیز جو بھی بنائی گئی ہیں ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا. حکومتوں کا بہت بڑا رول ہے. گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس سال 5 جون کو گورنمنٹ نے کافی اچھا انیشیٹو لیا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے تو پلاسٹک پہ بین کر دی ہے، اس سال 5 جون سے پلاسٹک پہ پابندی لگے گی. بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کلین اینڈ گرین پنجاب، کلین اینڈ گرین پاکستان، بہت اچھا انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا. پچھلی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو پچھلی گورنمنٹ میں 10 بلین ٹری سونامی بہت اچھا تھا، 10 ارب درخت لگانے والا انیشیٹو بہت اچھا تھا. سو گورنمنٹس آر پلئنگ دیئر رول. بٹ ہم میں بے شک بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا رول ہے وہ کرے، انڈیویژل جو ہے آپ کا رول بھی بہت میٹر کرتا ہے. آپ نے گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے. جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے گورنمنٹ جو مرضی کرے ہم ماحول کو صاف نہیں کر سکتے، بیکاز چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پولوشن جو ہے وہ ہم پھیلاتے ہیں، آلودگی ہم پھیلاتے ہیں. گورنمنٹ کا کام صفائی کا ہے، میں ڈینائی نہیں کرتا، لیکن ہمیں بھی لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ آپ بھی جگہ جگہ کوڑا نہ پھیلائیں، ہم بھی کوڑا پھیلانے کی مشین نہ بنیں. آپ بھی تھوڑا سا 2 قدم چل لیں اور کوڑا دان میں کوڑا پھینکیں، ڈسٹ بن میں کوڑا پھینکیں. میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر ہر بندہ اونرشپ لے لے تو آپ اپنے ماحول کو اپنے اٹ آل اسٹارٹس فرام یور نیبرہڈ. آپ کا گھر صاف ہوگا، آپ کی گلی صاف ہوگی، آپ کا محلہ صاف ہوگا، آپ کا ٹاؤن صاف ہوگا، آپ کا شہر صاف ہوگا، آپ کا ملک صاف ہوگا. سو اٹ آل اسٹارٹ اینڈ اسٹارٹس فرام دا اسمال اسٹیپس. تو آپ نے لینے. بالکل صحیح. کیا ہم اقتصادی ترقی کو ماحولیاتی پائیداری کے ساتھ متوازن کر سکتے ہیں؟ ایبسولوٹلی. اکنامک ڈیولپمنٹ ہیز اے لاٹ آف رول ٹو پلے وتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. مثال دے دیتا ہوں، اگر موسمیاتی تبدیلیاں ہوں گی، فلڈ آئیں گے تو آپ کی اکانومی تو متاثر ہوگی، سموگ آئے گی تو آپ کی اکانومی جو ہے متاثر ہوگی. سموگ میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، فلڈ میں آپ کو میڈیکل نقصان ہو جاتا ہے، ہیٹ ویو جو آ رہی ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے. سو انوائرمنٹ کے لیے، آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے انوائرمنٹ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا کلائمیٹ چینج سے مطلب کلائمیٹ چینج کے سولوشن کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کلائمیٹ میٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے. اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ایسی ڈیولپمنٹ کریں جس میں آپ آج کی ضروریات بھی پوری کریں اور مستقبل کی ضروریات بھی پوری کریں. اور ایک اور ڈیفینیشن ہوتی ہے ایسی ڈیولپمنٹ جس میں آپ کے ریسورسز کی نہ کوالٹی خراب ہو نہ کوانٹیٹی خراب ہو. تو بہت ضروری ہے، اگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوگی تو آٹومیٹیکلی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی. اگر کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کیا جائے گا، ماحولیاتی تبدیلیوں کے اوپر ہم قابو پائیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ انوائرمنٹ اکنامک بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا. سو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب پارٹ اینڈ پارسل ہے. میں اسے کہوں گا دونوں کا بہت بڑا لنک ہے آپس میں. دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ انوائرمنٹ کے ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ آپ کی جڑی ہوئی ہے. سر، ہم کون سی نئی ٹیکنالوجیز کو اپنا کر جو ہے مزید جو ہے مستقبل کو بہتر کر سکتے ہیں، جس میں جو ہے تمام کمیونٹیز کو جو ہے صاف ہوا، پانی اور زمین میسر ہو؟ الحمدللہ رینیوبل انرجی، آلٹرنیٹ انرجی پہ بہت کام ہو رہا ہے. اس وقت دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے نیٹ زیرو کی طرف جانا ہے. یہ ٹیکنیکل ٹرم میں بات کر رہا ہوں، اس میں ضروری ہے. نیٹ زیرو سے مراد ہے کہ ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو صفر کرنا ہے. یعنی ہمارے پاس جو فوسل فیول ہے ہم بہت جلاتے ہیں، تو ہمیں فوسل فیول کو چھوڑنا ہوگا. ہم نے ایسی ٹیکنالوجیز پہ آنا ہے جس پہ کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے. سو ہمارے پاس سولر ہے، ونڈ ہے، ہائیڈل ہے، ٹائیڈل ہے، ویو انرجی ہے، بہت سی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں. ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ ہم رینیوبل کی طرف شفٹ ہوں. پاکستان میں سولر کا بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان میں ایک گھنٹے کی سولر ہمارے پاس انرجی جو ہے، اگر ہم اسے آپ کیپچر کر لیں، ہمارے پاس ایک گھنٹے کا جو سورج کی لائٹ ہے وہ اتنی کافی ہے کہ ہم پورے پاکستان کی مہینے کی بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. صرف اسے ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں اگین الیکٹرک وہیکلز، وچ آر ویری امپورٹنٹ، اور یہاں میں بات کروں الیکٹرک وہیکلز پہ تب آئیں جب ہمارے پاس انرجی سولر سے آئے، انرجی ہائیڈل سے آئے، انرجی ونڈ سے آئے. یہ نہیں کہ ہم انرجی جو ہے وہ کوئلے کو جلا کے، انرجی جو ہے وہ ہم آئل سے لے رہے ہیں اور پھر وہیکل چلا رہے ہیں. الیکٹرک وہیکلس کا فائدہ تب ہوگا جب وہ الیکٹرک وہیکل رینیوبل انرجی پہ چلیں گی. سو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ آ گیا ہے اور انفارچونیٹلی لوگ جو ہے الیکٹرک وہیکل پروموٹ کر رہے ہیں، اور بجلی آپ تیل سے بنا رہے ہیں، بجلی آپ کوئلے سے بنا رہے ہیں، تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ کر لیں. لیکن میں نے جو بات کی رینیوبل انرجی، آلٹرنیٹ انرجی ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجیز آر بینگ ڈیولپ، بہت زیادہ اس پہ اور بھی روم آف امپروومنٹ ہے. بٹ اگر ہم آہستہ آہستہ فوکس کریں اور آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ ہم نے سولر پہ جانا ہے، ہائیڈل پہ جانا ہے، ونڈ پہ جانا ہے، ٹائیڈل پہ جانا ہے، ویو پہ جانا ہے، تو ہم ان تمام انرجی پہ آہستہ آہستہ شفٹ ہوں گے. آٹومیٹکلی ہمارا ماحول بھی صاف ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ ہم پائیدار ترقی کی طرف بڑھیں گے. بالکل صحیح. ماحول کو صاف رکھنے کے لیے گورنمنٹ کتنا کردار ادا کر رہی ہے؟
मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, EPA गवर्नमेंट का इदारा है, EPD गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस देती है, गवर्नमेंट जो है वो कंपेन चलाती है। अब गवर्नमेंट का इरादा है, इदारा है LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। गवर्नमेंट ने बहुत से शहरों में कंपनीज बनाई हैं, इसी तरह गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर, लोगों के साथ भी बहुत बड़ा रोल है कि वो प्ले करें। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन कर सकती है, कानून साजी कर सकती है इन्वायरमेंट के हवाले से सख्त कंपनीज को, जिस तरह आजकल EPA जो है वो इंडस्ट्रीज़ को रोकता है कि आप पोल्यूशन रिलीज ना करें, आप हवा को पोल्यूट ना करें, आप पानी को पोल्यूट ना करें, और फिर बैन भी होता है। उनके अपना लेजिस्लेशन है, उनके अपने एक पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो वो डेवलप करती है। तो गवर्नमेंट का ये काफ़ी काम है इस हवाले से। गवर्नमेंट का जो एक बात करूँगा, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पिछली गवर्नमेंट ने, हमारे पास जब फ्लड आए तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके गवर्नमेंट ने अवेयरनेस रेज की। और कॉप एक होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि हर साल होती है एनवायरनमेंट की। पिछले साल दुबई में थी, मैं उस दुबई वाली कॉन्फ्रेंस पे भी गया। उस पर गवर्नमेंट, पिछले साल दुबई वाली कॉन्फ्रेंस पे गवर्नमेंट इतना काम नहीं कर सकी, लेकिन जो 2023 में थी, जो कि सॉरी 2022 में जो हुई थी हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि मिस्र में थी, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। वहाँ पे LND लॉस एंड डैमेज फंड जो था, जो कि लोगों ने, अमीर ममालिक ने बनाया था, उसमें हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि चूंकि हम गरीब ममालिक हैं, हमारे पास माहौलियाती तबाही बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें फ़ंड दिया जाए। तो दैट वाज अ वेरी बिग इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरह के लोगों अवेयरनेस भी लोगों को, गवर्नमेंट का रोल है वो दे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाए, वहाँ पे पाकिस्तान का केस रखे, और पाकिस्तान का एक अच्छी तरह से वहाँ पे उसको आप कह सकते हैं मैं कि हमारा, हमें ज़रूरत है कि वहाँ पे हमारे पास जो है ना अच्छी तरह से वहाँ पे वकालत हो, पाकिस्तान का एडवोकेसी हो, ताकि अच्छी जगह हम लोगों को बता सकें कि हम एक फैक्ट्रीज में से हैं क्लाइमेट चेंज के, और हमें फ़ंड भी दिया जाए, हमें सपोर्ट भी किया जाए। बिल्कुल सही। हमारी यूथ माहौलियात को कम करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है? जी, यूथ का रोल सबसे ज़्यादा अहम है, बिकॉज यूथ जो है वो तो हमारी होप है, वो तो हमारा मुस्तकबिल है। और जो भी यंग लोग जो हैं, जब भी कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो सुनी जाती है बात, और वो बात पहुंचती है, तो यूथ हमारा जो है वो तो मुस्तकबिल है। यूथ इज आवर, एंड यूथ आर द चेंज बेयरर्स। यूथ जो है वो हमारे लीडर्स हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त भी इन्वायरमेंट की अगर हम मूवमेंट बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई वो एक लड़की थी स्वीडन से, जिसका नाम ग्रेटा है, छोटी सी बच्ची थी 9 साल की उस वक्त, फिर बाद में 16 साल की जब थी, 13 साल की आई थिंक, उसने UN में जाके खिताब किया था, और उसने एनवायरमेंट एडवोकेसी पे बात की थी। सो जो यूथ है वो तो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकते हैं, और आजकल यूथ कर भी रही है। मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी यूथ है वो अवेयर है कि एनवायरमेंट के कौन कौन से मसाइल हैं, क्लाइमेट के कौन कौन से मसाइल हैं। सो और ये बहुत अहम इसलिए है कि अगर हम एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, तो सर्वाइवल यूथ का मसला है। हमने तो ज़िंदगी गुजार ली, चले वो कहते हैं ना, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्होंने तो अपना टाइम स्पेंड कर लिया, बट अगर मौसमियाती तब्दीलियाँ इसी तरह होती रहीं तो सबसे ज़्यादा मुतासिर यूथ होगी, मुस्तकबिल में आने वाले बच्चे होंगे। तो यूथ का तो रोल तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप लोग रोल प्ले नहीं करेंगे तो इट विल इफेक्ट द फ्यूचर जनरेशन, एंड आपका मुस्तकबिल है, आपका जो है वो टाइम है अगला, तो इट इज़ योर टाइम, इट इज़ योर फ्यूचर दैट इज़ एट स्टेक। इसलिए यूथ का रोल सबसे ज़्यादा है, और यूथ रोल प्ले कर भी रही है, यूथ को रोल प्ले करना भी चाहिए। मैं हमेशा कहूँगा कि आप लोग जो चेंज बेयरर्स हैं, आप लोग कौम के मेहमान हैं, आप लोग तो हमारी उम्मीद हैं, तो इसलिए हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इसको लेके चलें, अवेयरनेस रेज करें, और अपना रोल प्ले करें सोल्यूशन की साइड पे, और कोशिश करें कि आप सोल्यूशन की साइड पे हों, ना कि प्रॉब्लम की साइड पे। जी सर, एंड पे ये आज के दिन के हिसाब से स्पेशल मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आरफा आपका और शाहू टेक्नोलॉजीज़ के, आपने मुझे बुलाया और हमने आज एनवायरनमेंट डे के ऊपर बात की। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये मेरे स्टूडेंट्स, मेरे यूथ, तमाम लोग जो सुनने वाले हैं, उन सबके लिए मैसेज है। व्हाट इज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? हमने, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है कि मैं एक 4 कनाल के घर में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन अ 4 कनाल हाउस, आई एम हैविंग एन iPhone इन माई हैंड, एंड आई एम ड्राइविंग मर्सिडीज। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये होता है कि जब आप साफ आबो हवा में सांस ले सकें, व्हेन यू आर एबल टू ब्रीद इन क्लीन एंड फ्रेश एयर, जब आप साफ पानी पी सकें, व्हेन यू आर एबल टू ड्रिंक क्लीन एंड फ्रेश वाटर। और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये होता है व्हेन यू आर एबल टू गिव क्लीन एंड फ्रेश एनवायरनमेंट टू योर चिल्ड्रन, जब आप साफ सुथरा माहौल अपने बच्चों को, अपने आने वाले नस्ल को दे सकें। तो दिस इज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें इसको अचीव करना है, हमें इसकी तरफ मूव करना है। तो कोशिश करें कि हम सब क्लीन एंड फ्रेश वाटर, क्लीन एंड फ्रेश एयर, और क्लीन एंड फ्रेश एनवायरनमेंट जो है उसको कोशिश करें कि हम उसको बनाएं, और हम उसमें रोल प्ले करें, और हम वो क्लीन एनवायरनमेंट जो है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए दें।
सो हम अगर ये रोल प्ले करेंगे तो माहौल अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क अच्छा होगा। आइए मिलके अपना रोल प्ले करें, दिए से दिया जलाएं और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और एक बार फिर मैं आपके तशरीफ़ के मशहूर हूँ, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आज के हमारे इस इंतहाई अहम मौजू से आपने ये सबक सीखा होगा, ये आपने सबक हासिल किया होगा कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से हमने अपनी मुश्किल लाइफ को आसानी की तरफ लेके जाना है, किस तरह से हमने आलूदगी से पाक मुआशरा कायम करना है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।